फिल्म इंडस्ट्री की ऑन स्क्रीन धोनी यानी कि SSR के चले जाने के बाद विवाद इस बात को लेकर थम नहीं रहा कि उनका गुजरना सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी थी। 14 जून को इस जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ गए, परिवार का साथ छोड़ गए ऑन स्क्रीन धोनी यानी कि SSR की आने वाली है एक फिल्म दिल बेचारा, जिसकी रिलीज डेट सामने आ गई है। 24 जुलाई की तारीख को OTT प्लेटफॉर्म पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। इसमें श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हुए सब्सक्राइबर के साथ साथ नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए भी फ्री में इस फिल्म को उपलब्ध कराने का फैसला मेकर्स ने प्रोड्यूसर्स ने लिया है। ऐसे में अब परिवार वालों ने भी आपत्ति जताई है इसे लेकर। जी हाँ, डिजिटल रिलीज को लेकर परिवार वाले बड़ा कदम उठा रहे हैं। SSR के जाने के बाद पिता और बहनें कदम उठा रही हैं बड़ा। जी हाँ, परिवार ने कहा ये बहुत गलत हो रहा है। जी हाँ, SSR के भाई, चचेरे भाई और BJP MLA नीरज सिंह बबलू ने फिल्म के रिलीज को लेकर साजिश बताया। उन्होंने कहा ये उनकी आत्मा के साथ गलत किया जा रहा है। डिजिटल रिलीज करने से जाहिर है अभी भी उनके खिलाफ साजिश चालू है। ये उनका कहना है कि इस फिल्म के निर्माताओं का विरोध करते हुए वो यही कहना चाहेंगे कि सिनेमा हॉल में इसको महत्व देना चाहिए था। फिल्म कितने लोगों ने देखी, क्या रिकॉर्ड कायम किया, डिजिटल पर तो ये पता नहीं चल पाता। गुजारिश करेंगे कि इस फैसले को तुरंत बदला जाए, इस फिल्म को सिनेमा घर में ही रिलीज किया जाए। ये गुजारिश परिवार वालों की है, वरना ये इसके खिलाफ जाएंगे। बताना चाहेंगे हम आपको हॉटस्टार पर आने वाले इस फिल्म की कहानी प्यार, उम्मीद और अंतहीन यादों की है। इसमें दिवंगत SSR की विरासत का जश्न सभी के बीच मनाने की बात चल रही है। सबका प्यार पाते रहेगी ये फिल्म, कहा जा रहा है। और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट ट्विटर पर हो चुका है, इंस्टाग्राम पर हो चुका है। कास्टिंग डायरेक्टर से फिल्म निर्देशक बने मुकेश छाबड़ा की ये पहली फिल्म है जो काफ़ी इमोशनल हुए से लेकर। इस फिल्म में SSR के अपोजिट संजना सांघी डेब्यू कर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।